नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप टेन खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। रूस की राजधानी मॉस्को में दो बड़े धमाके हुए हैं और ये धमाके एक के बाद एक हुए हैं। मध्य अफगानिस्तान में मूसलाधार बारिश के कारण रात भर आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग लापता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भगवान राम की सबसे बड़ी मूर्ति की आधारशिला रखी। कुरनूल के पास नंदयाल जिले के मंत्रालय में बन रही ये प्रतिमा देश में भगवान राम की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। 108 फीट लंबी इस प्रतिमा को पंचलोहा से बनाया जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे में रविवार की देर रात को बड़ी घटना हुई है। अमरावती के एसीपी भरत गायकवाड़ ने अपनी पत्नी और भतीजे को गोली मार दी, जिसके बाद उन्होंने खुद को भी शूट कर लिया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक बार फिर भूस्खलन की खबर सामने आई है। इस बार यह मुंबई पुणे हाईवे पर हुआ है। बताया जा रहा है कि हाईवे के अदूसी गांव के नजदीक यह हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। यहाँ एक शख्स के घर से आर्मी का गोला बारूद बरामद हुआ है। महाराष्ट्र के रायगढ़ के रसालवाड़ी गांव में भूस्खलन से 27 लोगों की मौत हुई है। लोगों को बचाने के लिए 4 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मलबे में अभी भी लोग दबे हुए हैं। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपन हैमर की कमाई इंडिया में 50 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई है। ओपन हैमर इंडिया में बार्बी से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। राजौरी शहर में गोलीबारी में एक महिला की बेवजह ही मौत हो गई और एक शख्स घायल हुआ है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मिली अंतरिम जमानत की अवधि को 21 अगस्त के लिए बढ़ा दिया है। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर।